दिया यार। क्या हो गया एकदम से, इन्होंने वक्त बदल दिया, जिस बात बदल दी दुनिया ही बदल दी। हम क्या बॉलिंग बॉलिंग कर रहे थे, हमारी बॉलिंग ये, हमारी बॉलिंग वो, हमारी फास्ट बॉलिंग ये, हमारी ये। मैं पहले ही बोल रहा था स्पिन ख़राब है, चलो तनकीद नहीं करते, जब टीम जीतती है तभी हम वाह वाह करते। तो मैं थोड़ा बताता हूँ पाकिस्तान क्वालिफाई कैसे कर सकता है फॉर द फाइनल्स। फाइनल है, सेमीफाइनल तो है नहीं। अगर श्रीलंका, अभी रन रेट का बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाता है लेकिन श्रीलंका इंडिया को हरा देती है तो पाकिस्तान और श्रीलंका के सेम पॉइंट्स चार चार हो जाएंगे। और शर्त यह कि इंडिया बांग्लादेश को भी हरा दे, वो तो हरा देगी, लेकिन पाकिस्तान का रन रेट माइनस में चला गया है। 300 का टारगेट, 350 का टारगेट लग चुका था और टाइट हो चुकी है। अब शर्त ये है कि श्रीलंका को इंडिया हरा दे और बांग्लादेश को भी हरा दे, पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, इससे क्या होगा कि हम फाइनल में पहुंच जाएंगे, इंडिया के साथ दोबारा मुकाबला होगा। लेकिन ये सारा सिचुएशन बेस्ड है और ये रन रेट बेस्ड है बेटा। हमारे तो धाने निकाल दिए भाई, स्पिन कहाँ है, बोल रहा था इमाद वसीम पर लाओ लाओ, मैं बोल रहा स्पिन लेक ऑफ स्पिन है, मैं बोल रहा था पिछले वीडियोस में कि भाई स्पिन गायब है। शादाब खान कभी छोटी टीम के खिलाफ विकेट ले लेता है, दिन होता है विकेट ले लेता है, लेकिन फुल टॉस से फेंक रहा होता है बस। तो कुछ ज़्यादा लग गया, कुछ ज़्यादा बेइज्जती होगी, मीम इतने बन रहे हैं, इतने मीम बन रहे हैं, शाहीन को गिरा दिया जमीन पर, ये फलाना निमका एगल को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और कहने की 100 बात की एक बात है कि भाई हार तो गए हैं और वो भी बुरे तरीके से हारे हैं, मतलब घटिया क्रिकेट खेली है। इसके बाद भी अगर हम जीत जाते ना तो मैं ये मतलब शायद ये हम डिज़र्व नहीं करते, ये जीत हम डिज़र्व नहीं करते। और इतनी बेकार किस्म की क्रिकेट खेली है पाकिस्तान की टीम ने, जब वो बैटिंग करने आए तो ऐसा लगा कि उनकी बैटिंग पिच फट्टा पिच है, जब बॉलिंग करने आए ऐसा लगा ये तो भाई बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है, फील्डिंग में भी हमारे खिलाड़ी ऐसे खाली ऐसे बैठे थे साइड से बॉल जा रही है। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो 0/0, हमने मतलब कुछ नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं लगाई मैच जीतने के लिए, एफर्ट बोले तो। बहरहाल 100 बात की एक बात, अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं फाइनल में क्या होता है, लेट्स सी। लेकिन हालत तो पतली हो चुकी है हमारी, और ये मानना पड़ेगा कि इंडियन बैट्समैनों ने बहुत ही अच्छा खेला, बैटर्स ने बहुत ही अच्छा खेला, ऑल क्रेडिट गोज टू इंडिया। एंड पाकिस्तान ने बहुत ही बुरा खेला है, और बाबर आजम को रन्स नहीं लग रहे इंडिया के खिलाफ, बाबर आजम रन्स नहीं बना रहा। लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ रन्स बनाता है, तो बाबर आजम को चाहिए कि यार इंडिया के खिलाफ रन्स बनाए, वरना ये हमारी बेइज्जती करते रहेंगे, पार्ट टाइमर विकेटें ले रहे हैं, शार्दुल ठाकुर जैसा बॉलर, हार्दिक पांड्या जैसा बॉलर विकेट ले रहा है, जहाँ पे विंडीज इनको मार मार के इनका भरता निकाल रही है, वहाँ पे हमारे बैट्समैन इनका कुछ नहीं, क्योंकि नर्वस हो जाते हैं हमारे बैट्समैन, हाथ पाँव कांपने लगते हैं इनके जब ये इंडिया के खिलाफ मैच खेलते हैं ना। क्राउड तो कुछ ज़्यादा था भी नहीं, फिर भी ये नर्वस हो रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बूम जंकी, देख खबर, पाकिस्तान और इंडिया के मैच का क्या हुआ कल? तू बड़े शौक से टीवी पे बैठा हुआ था, मैं तो हैरान हो गया, तू इतना फैन है पाकिस्तान इंडिया के मैच का। अरे अब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बारिश ने पूरा का पूरा मैच किरकिरा कर दिया। इतना मज़े से हम खेल रहे थे, हम नहीं खेल रहे थे, वो छक्के जो के लग रहे थे, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था मैच देखने में, विकेटें भी गिर रही थी और चौके चौके भी लग रहे थे, फुल माहौल बना हुआ था यार। ए बेटा, बारिश तो हमारे दौर में, हम जब छोटे होते थे तो ये वर उठाते थे और बाल आती थी तो हम मतलब गप में गिरते थे, उठते थे, कोनों में पानी खड़ा होता था, लेकिन हम क्रिकेट मैच खेलते। आजकल के बच्चे ये इंटरनेशनल मैच पानी ऐसे लुंगी ऊपर कर और ऐसे जाके खेलो, टेंशन की कोई बात है क्या? ऐसे बाल गीले होंगे और बॉल गीली होगी, हमारे तो टेप भी ख़राब हो जाता था, शॉट भी नहीं लगते थे, बाल बैट में ठुप लग के फिर वापसी उधर ही खड़ी होती थी, बाल नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी हम खेलते। आजकल के बच्चों को नखरे बहुत हो गए, इनको स्पॉन्सर बहुत हो गए, तो बस ये नखरे दिखाते चला दें। इंटरनेशनल क्रिकेट में और तुम्हारी गली क्रिकेट में फ़र्क है, वो क्रिकेट होती है क्लासिकल क्रिकेट होती है, उसमें
लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, वो इस तरह से खेलेंगे तो उनकी इमेज खराब, इमेज खराब होगी तो इमेज बाजार से नई इमेज बनवा लेंगे, या आजकल तो एआई चल रहा है, एआई से इमेज बनवा लेंगे। क्या यार तुम भी यार, इनको नखरे बोलते हैं, तू बच्चा है तेरे को नहीं पता, तू आजकल के बच्चे सिर्फ बोलते हैं हमें बहुत पता है लेकिन उनको नहीं पता। हम जब छोटे हुए करते थे तो हम क्या बंडे हुए करते थे, खैर देखते हैं आगे क्या होता है, मैच स्टार्ट होता है या नहीं। अंकल राधे आपसे बात करना फजूल है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता और मैच देखूंगा फिर आपसे बात करूंगा कि इंटरनेशनल और गली क्रिकेट में क्या। अबे साले अंकल राधे को सिखा देते।